हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक ऐसी जॉब की अपडेट लेकर आ चुका हूं जिसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने गांव या ज़िले के अंदर ही इस जॉब को कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग की तरफ से आ चुकी मीटर रीडर, बिलिंग और कैश कलेक्टर के पदों पर नई बंपर भर्तियों के बारे में। इस बार आप सभी को 1450 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक देखने को मिलेंगे। ये दो अलग अलग नोटिफिकेशन होने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ पाएगी। आपको बता दें, आपके घर में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आती होगी और वो मीटर के थ्रू आती होगी। उस मीटर में रीडिंग चलती होगी और हर महीने कोई ना कोई मीटर की रीडिंग लेने के लिए ज़रूर आता होगा। मीटर में रीडिंग काउंट होती है, उसके हिसाब से आपका बिलिंग होता है, उसके बाद आप कैश देते हैं या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो सेम उसी के लिए जो आदमी चाहिए होते हैं, कैंडिडेट चाहिए होते हैं, जो मीटर रीडिंग के लिए जाते हैं, बिलिंग करते हैं, कैश कलेक्टर करते हैं, ये उनकी ही भर्ती है। बिना किसी एग्ज़ाम के केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होंगी। अगर आप पूरा प्रोसेस समझेंगे तो आप आवेदन भी कर पाएंगे और इस जॉब को हासिल भी कर पाएंगे। सैलरी यहां पर 20,000 रुपये तक आपको मिल जाती है आराम से हर महीने की। इस काम को महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार कर सकते हैं, जिसकी आखिरी डेट आने वाली 3 जुलाई 2024 की है। 10वीं पास आउट हैं तो आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है तो आप लोग ज़रूर से आवेदन करें। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी नौकरी तय होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आगे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाएंगे दोनों और आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हो सके तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, साथ ही साथ हो सके तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करना है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मीटर रीडर की रिक्रूटमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कर सकते हैं naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। आपके लिए एक और न्यूज साइट डेवलप की जा रही जिसका नाम sarkaririzult1.com रखा गया है। आप लोग गूगल पे जाएंगे, sarkaririzult1.com टाइप करेंगे, आपको ये वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की आखिरी डेट 3 जुलाई 2024 की रखी गई है। दिए गए समय में आपको आवेदन जरूर से कर देना है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो बिल्कुल फ्री है, आप सभी इन भर्तियों के लिए निःशुल्क ही आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है आपका यहाँ पर एज, जो कि 1/1/2024 से 18 से लेकर के 40 साल के बीच में होनी चाहिए। दोनों नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, बस आप लोग बने रहिएगा। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की। आपको 1450 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहां पे पोस्ट नेम आप लोग देख सकते हैं, मीटर रीडर, बिलिंग और कैश कलेक्टर की। पहले आपके मीटर की रीडिंग करते हैं, उसके बाद रीडिंग के हिसाब से बिलिंग जनरेट करते हैं, बिल बनाते हैं, और अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं कैश में तो उसको कलेक्ट करते हैं या तो ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं और उसकी रसीद आपको दे देते हैं। 10th पास जॉब है, अगर आप 10th पास आउट है तो आवेदन कर सकते हैं। ये जॉब भारत के किसी भी राज्य में आती रहती हैं और अभी किस राज्य में है उसके बारे में बताएंगे। मेल फीमेल इसके लिए दोनों एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। टुडे टॉप जॉब लिस्ट के अंदर आज के नई नौकरियों की जानकारी को ऐड कर दिया गया है। क्लिक करके बटन पर क्लिक करके जानकारी को देख सकते हैं। इसके बाद है सैलरी, जो कि आपको अलग अलग स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन के बारे में तो विदाउट एग्ज़ाम यहाँ पे केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पे आप सभी का सिलेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ता है। कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट जानकारी है। अभी के लिए आपको हम दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाते हैं। एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे ही आप लोग क्लिक करके बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के
साथ ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग में लग जाता है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक नोटिफिकेशन आ चुका है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर बिलिंग एंड कैश कलेक्टर करके अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 22 स्टेट के अंदर ये जो कंपनी है TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड वो जो है तो वर्क करती है। 6 वर्किंग डेज रहेगा यानी कि मंडे टू सैटरडे का। उसके बाद एक एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर 8 पास आउट आवेदन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है जो पहले नोटिफिकेशन में 600 दिखाया गया है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हो चुका है, अभी हम दूसरे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। दूसरे नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट करके यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडर बिलिंग एंड कैश कलेक्टर। यहाँ से हम नीचे आते हैं तो आपको सेम सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बस नंबर ऑफ वैकेंसी पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नंबर ऑफ ओपनिंग है वो 850 यानी कि 850 और वहाँ पे आपका 600 था और इनको इक्वल करेंगे तो आपका 1450 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। आपकी ट्रेनिंग होगी 102 महीने की, इसके तहत आपको स्टाइपेंड मिलेगा 6000 रुपये तक का, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in की वेबसाइट पे हैं, इसके थ्रू यहाँ पे आपको पहले कैंडिडेट की बटन पे क्लिक करके रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे और एक ईमेल आईडी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पे डालना है और वेरीफाई की बटन पे क्लिक करना है। इतना होने के बाद रजिस्टर की बटन पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन एज अ कैंडिडेट की बटन पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। वेरीफाई बटन पे क्लिक करने के बाद सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल डाल के आवेदन करेंगे। इतना हो जाने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा और इसके बाद आपको इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आएगा जो आपने फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दी है उस पे। दोस्तों अगर आप आवेदन करने का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट है कंप्लीट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।